गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित है ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, अपनी ये तीसरी क्लास होगी और बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य की। अपना जो अध्याय था वो बिहारी सतसई के दोहे चल रहे थे और कवि है बिहारी। इससे पहले 14 जो दोहे थे उन पर अपन ने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। आज देखिए 15वां जो दोहा है उस पर चर्चा करते। निसी अंधियारी नील पटु पहरी चली पिए गए, कहो दुराई क्यों दूरे, दुराई क्यों दूरे, छिपाने से भी नहीं छिपे। ठीक है ना, दुराई क्यों दूरे, इसका मतलब हो गया छिपाने से भी नहीं छिपे। दीप सिकासी देह, अर्थात नायिका के सुंदर शरीर का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे कि नायिका का सुंदर शरीर है, दीप सिका की तरह है। ठीक है ना, और वो रात के अंधेरे, निसी अंधेरे, रात के अंधेरे में नील पटु नीले वस्त्र पहन करके चली पिए गह प्रियतम के घर जा रही है अभिसार करने के लिए या मिलन करने के लिए। अर्थात दीप सिका के समान, दीपक की लो के समान गौरवर्ण की देह नायिका की, इसलिए उसकी सुंदरता रात के अंधेरे में छिपाने से भी क्या नहीं हो रही, छिप नहीं हो नहीं रही। तो इस दोहे में क्या बताया है कि जो नायिका है, नायिका की देह बहुत ज़्यादा सुंदर है, दीपक के लो की तरह, दीपक के शिखर की तरह, दीपशिका की तरह क्या हो रही है, वो प्रकाशित हो रही है। तो रात के अंधेरे में क्या है, जो नायिका है वो नीली साड़ी पहन करके अपने गौरवर्ण शरीर से प्रियतम के घर क्या करने जा रही है, मिलन करने के लिए जा रही है। ऐसे में दुराई, दुराई क्यों दुरे, अर्थात वो अपने सुंदर शरीर की सुंदरता को या कांति को रात के घने अंधेरे में छिपा करके भी उसके शरीर की सुंदरता को छिपा नहीं सकती। ठीक है ना, तो यहाँ पर रात के अंधेरे में ये बताने का प्रयास किया गया है, रात के अंधेरे में जो नायिका है उसके शरीर का जो सौंदर्य है वो अत्यधिक और ज़्यादा क्या होता है, प्रकाशित होता है। आगे देखिए, ओंदाई सीसी सुलखी भ्रे वर्णी भी लात, ओंदाई सीसी ओंदाई ओंदा दी उल्टी कर दी, खाली कर दिए सीसी को, लखी देखने देख करके, भ्रे भ्रे वर्णी भ्रे में बढ़ती हुई या जलती हुई, भ्रे की आग में या प्रेम की आग में, बिल लात। ठीक है, बीच सुखी गुलाब गो, बीच में सूख गया गुलाब जल, छीटो छुई ना गात, लेकिन गात यानी शरीर को एक बूंद भी एक छीट भी नहीं छू पाया है, किसके, नायिका के। तो यहाँ पर नायिका की विरह स्थिति का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, नायिका विरह में क्या हो रही है, जल रही है और बिल्लात विलाप कर रही है या बिलख रही है। तो नायिका प्रेम की आग में जल रही है, प्रेम की आग में जलती हुई क्या कर रही है, वो विलाप कर रही है। प्रेम की आग में प्रेम की आग में जलते हुए देख करके नायिका को उसकी सखिया उसकी प्रेम की आग को कम करने के लिए या प्रेम की आग से नायिका की रक्षा करने के लिए सखिया गुलाब जल की शीशी लेके आती है। आग किससे, जल से ही तो बुझेगी, तो सखिया गुलाब जल की शीशी लेके आती है नायिका के प्रेम की आग को शांत करने के लिए। जब सखिया गुलाब जल की शीशी को नायिका के ऊपर छिड़कती है तो गुलाब का जो जल है वो भी नायिका इतनी ज़्यादा भिरे की आग में जल रही है कि उस आग से है ना गुलाब जल भी क्या वाष्प बन करके उड़ जाता है, एक बूंद तक किसके शरीर को स्पर्श नहीं करती, नायिका के शरीर को स्पर्श नहीं करती, काय की बूंद, गुलाब जल की। ठीक है, ये दो, दूसरा हो गया आज का। आगे देखो इता आवती चली जात, उत चली छ सातक हाथ, छड़ी हिंडोरे से रहे लगी उसासन साथ, उसासन। देखिए
उस सांस नु सांस श्वास यानी उच्छ्वास ऊंची ऊंची सांसें या लंबी लंबी सांसें या आहे भरना लगी उस सांस नु सात नायिका की दशा का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि जो नायिका है वो प्रियतम से मिलन नहीं होने के कारण प्रेम में क्या ले रही है लंबी लंबी सांसें ले रही है लंबी लंबी आहे भर रही है। ठीक है, लंबी लंबी आहे भरने के कारण उसका शरीर क्या हो गया है दुर्बल हो गया है या कमजोर हो गया है। इस कारण से जब वो सांस लेती है तो चली छः सात तक हाथ नायिका जब सांस लेती है तो छः सात हाथ क्या आगे पीछे हो जाती है या हिल जाती है। उस दशा में उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेती है तो वो छः सात हाथ आगे पीछे हो जाती है हिल जाती है। तो सांस लेने में भी जब वो नायिका हिलती है शरीर कमजोर होने के कारण तब ऐसा लगता है कि मानो वो झूले पर चढ़ी हुई है और क्या झूल रही है झूला। तो समझ में आया तो क्या बताया यहाँ पर वीरे में नायिका की दशा का यहाँ पर वर्णन किया है कि विरह में या प्रेम की आग में नायिका की दशा खराब हो गई है। लंबी लंबी सांसें ले रही है वो, लंबी लंबी आहें भर रही है, लंबी लंबी सांसें लेने के कारण उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, निर्बल हो गया है। ठीक है ना, निर्बल हो गया है। इस कारण से कमजोरी के कारण जब वो सांस लेती है तो शरीर हिलने लगता है, शरीर क्या करने लगता है हिलने लगता है, तब शरीर आगे पीछे हो जाता है छः सात हाथ, तब शरीर आगे पीछे होता है तो ऐसा लगता है कि मानो नायिका झूले पर सवार है और क्या झूला झूल रही है। आगे देखो, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार। 18वां दुआ है लाल कि हे प्रिय तुम्हारे प्यार की जो आग एक अनूप है, अनुपम है, अनुपम यानी अनोखी है, अपार है, असीमित है। तुम्हारा प्रेम या तुम्हारे प्रेम की अग्नि असीमित है और अनोखी है। क्यों? क्योंकि सर से बर से नीर हूँ तुम्हारे प्रेम की आग में या तुम्हारे प्रेम के कारण मेरी आँखों से हमेशा नीर या आंसू बरसते रहते हैं, जर हूँ झरते रहते हैं आंसू की बूंदे मेरी आंखों से मिटे ना झार, लेकिन फिर भी आंसू झरते रहते टपकते रहते लेकिन फिर भी मेरे आंखों की झार यानी क्या ज्वाला या अग्नि क्या नहीं होती, शांत नहीं होती, अर्थात मेरी आंखों को मिलन का सुख प्राप्त नहीं होता। समझ में आया क्या कह रहे कि हे प्रियतम तुम्हारे प्यार की अग्नि अनोखी है, तुम्हारा प्यार असीमित है, क्योंकि तुम्हारे प्यार की अग्नि में या तुम्हारे प्रेम के कारण मेरे आँखों से नीर यानी आंसू निरंतर क्या होते रहते बहते रहते हैं। झर हूँ किस प्रकार से बूंदों की तरह झर झर झरते रहते मेरे आँखों से आंसू, किस में तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारी प्रेम अग्नि के कारण। मिटे ना झार लेकिन आंसू झरते रहने के बावजूद भी झार ज्वाला आँखों की ज्वाला आँखों की तपन क्या नहीं होती, शांत नहीं होती, अर्थात मेरी आँखों की तपन का मतलब यहाँ पर है अर्थात मेरी आँखों को प्रियतम के दर्शन करने के सुख प्राप्त नहीं होते। ठीक है, 18वां हो गया, 19वां देखिए। कहला ने एके बसत अही मयूर मृग बाग, कहने को तो एक जगह बसते। ठीक है, अही यानी शर्प, मयूर यानी मोर, मृग यानी हिरण, बाग यानी बाग, जगत तपोवन सो की हो, जगत तपोवन तपोस्थली हो गया है, धीरग भयंकर धाग गर्मी, निधाग यानी ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि धीरग धाग निधाग भयंकर ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ रही है। ठीक है, धीरग दाग निधाग यानी भयंकर गर्मी पड़ रही है काय में, ग्रीष्म ऋतु में, और उस समय
गर्मी से बचने के लिए शत्रुता रखने वाले जीव भी, शत्रुता रखने वाले जानवर भी, जैसे कौन कौन से, अहि मयूर, सांप और मोर, क्योंकि सांप, सांप को कौन खाता है, मोर, और मृग बाघ, और मृग हिरण को कौन खाता है, बाघ। तो ये कहता है कि विरोधी भाव रखने वाले जानवर भी या शत्रुता रखने वाले जानवर भी भयंकर गर्मी से बचने के लिए वन में एक जगह पेड़ों की काय में बैठते, छाया में बैठते। उन विरोधी या शत्रुता रखने वाले जानवरों को जब एक जगह बैठा देखते तो ऐसा लगता है कि सारा वन या सारा जंगल क्या हो गया, तपोस्थली हो गया है, तपोस्थली हो गया है, तपस्या का स्थान हो गया है। ठीक वैसे ही निवास करने लगे जैसे श्री ऋषि मुनि, ऋषि मुनि क्या मित्रता से या मानवता से रहते हैं। तो ठीक है, ये दोहा भी आपके समझ में आया होगा। क्या बताया मैंने और देख लीजिए सिंपल वे में, क्या कह रहे कि ग्रीष्म ऋतु है और भयंकर गर्मी पड़ रही है, उस भयंकर गर्मी से बचने के लिए वैर भाव रखने वाले या शत्रुता रखने वाले जीव जैसे मोर और सांप और चीता और कौन हिरण, ये आपस में दुश्मनी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए काय में जंगल में एक पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करते हैं अपने प्राणों का गर्मी से रक्षा करने के लिए। तब उनको एक पेड़ के नीचे देख करके ऐसा लगता है कि सारा जंगल, सारा वन क्या हो गया है, तपोस्थली हो गया है, जिसमें मानो वो आपसी दुश्मनी को भुला करके वो ऋषि मुनियों की तरह उस तपोस्थली में रहने लगे हैं। आगे देखो, कनकु कनकते सो गुने मादकता अधिकाय उह खाए बोराए इही पाए बोराए। कनकु, कनकु यानी क्या होता है यहाँ पर, सोना, सोना कनक, दूसरा कनक काय के लिए है, धतूरे के लिए, जो सोना होता है, सोना धतूरे से भी 100 गुना क्या होता है, नशीला होता है या उसमें मादकता होता है या उसमें नशा होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सोना होता है, सोने में धतूरे से भी ज़्यादा क्या होता है, नशा होता है या नशीला होता है। उह खाए बोराए ही पाए ही बोराए, अर्थात किसको खाते, किसको, धतूरे को, धतूरे को तो खा करके लोग पगला जाते या पागल होते हैं, जबकि सोने को तो पाने मात्र से या सोने के तो सामीप्य मात्र से ही लोगों को क्या हो जाता है, नशा या घमंड हो जाता है या पागल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, को कही देखिए, को कही सकी बड़ेन को लखे बड़ियो भूल, को कही सकी बड़ेन सो बड़ों को, ठीक है ना, लखी देख करके बड़ियो भूल, अर्थात बड़े लोगों की जो भूल है वो बड़े लोगों की भूल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और बड़े लोगों की भूल के बारे में कोई कुछ भी नहीं कहता। क्या कह रहे, को कह सके, कौन क्या कह सकता है, बड़ेन सो बड़ों की, बड़े लोगों की बड़ियों भूल, बड़ी, बड़े लोग बड़े होते हैं और उनकी बड़ी भूल के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। दीने दे गुलाब की, जैसे बड़े ईश्वर होते हैं, ईश्वर की भूल देखिए, दीने दे गुलाब की इन डारुन के फूल, ईश्वर बड़े हैं उन्होंने भी भूल किए कि गुलाब की जो डालियाँ होती है, गुलाब की डालियाँ होती है उन पर कांटे होते हैं,
लेकिन उन कांटों के ऊपर भी सुंदर क्या लगता है, गुलाब का फूल लगता है। लेकिन ईश्वर तो बड़े होते हैं, बड़ों की भूल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए ईश्वर ने ये भूल की है कि ईश्वर की ये भूल है कि जो गुलाब का पेड़ होता है उस पर कांटे तो लगे होते हैं डालियों पर, लेकिन उसके साथ उसमें क्या भी होता है, सुंदर गुलाब भी होता है। इस प्रकार से जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों की भूल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब छोटा व्यक्ति या छोटा इंसान कोई गलती करता है तो उसकी निंदा की जाती है, उसको दोष दिया जाता है। इस पाठ के इस दोहे में यही बताया गया है कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों की भूल भी क्या बड़ी होती है, उनकी भूल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जैसे ईश्वर ने भी एक भूल की है, कौन सी, कि गुलाब का जो फूल होता है वो गुलाब के कांटेदार डालियों में ही लगते हैं। अर्थात इतना सुंदर फूल भी बना दिया और किस में लगाया है, कांटेदार डालियों में लगाया है, जो ईश्वर की क्या है, भूल है, लेकिन फिर भी कोई उनको दोष नहीं देता। लेकिन अगर कोई छोटा व्यक्ति भूल करता है तो उस भूल की क्या की जाती है, निंदा की जाती है, जबकि बड़े लोगों की गलती की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार से किसने गुलाब के कांटेदार डालियों पर गुलाब का सुंदर फूल लगाने की भूल किससे हो गई है, ईश्वर से, इसलिए बड़े ईश्वर, इसलिए उनकी गलती की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आगे देखिए, नहीं परागु नहीं मधुरु मधु नहीं विकासी काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं परागु, इसमें न तो अभी न तो परागकण बने हैं, नहीं मधुर मधु, मधुर यानी मीठा मधु शहद, नहीं विकासी काल, नहीं इसका भी विकास हुआ है। किसका, अन्योक्ति शैली में कह रहे कौन, बिहारी जी। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन, अली भवरा इस कली से अभी से ही क्या हो गया है, बंध गया है, आकृष्ट हो गया है, आगे कौन हवाल, फिर आगे पता नहीं क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि अरे भवरे ये कली अभी पूरी तरीके से विकसित भी नहीं हुई है, नहीं इसमें शहद बना है, नहीं इसमें प्राकण बने हैं, तू अभी से ही अधखिली कली के चारों तरफ आकर के क्या करने लगा है, भटकने लगा है या मंडराने लगा है, भवरे तेरा अभी से ही ये हाल है, तो पता नहीं ये कली जब कली से क्या बन जाएगी, फूल बन जाएगी, तब तेरा क्या हाल होगा। ये अन्योक्ति शैली में कहा है बिहारी ने, किसको कहा है, राजा जयसिंह को। वो ये कहना चाह रहे राजा जयसिंह से कि राजा जयसिंह एक बार क्या होते हैं कि राजा जयसिंह एक नवोडा रानी को जीत कर ले आते और राजपाट की तरफ क्या ध्यान देना क्या कर देते, बंद कर देते। तब बिहारी जी आते तब देखते हैं कि जो नवोडा रानी है, जो नई रानी है, उस नई रानी के प्रेम पास में पड़ करके मोह में बंद करके राजा जयसिंह राज्य की व्यवस्था संचालन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तब उन्होंने ये दोहा लिख करके किसको भेजा, जयसिंह को। जब जयसिंह ने ये दोहा पढ़ा तो अन्योक्ति के माध्यम से उसको ज्ञान का बोध हुआ या ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात राजा जयसिंह को समझाने के लिए कहा था। किसके माध्यम से, कली के माध्यम से, भवरे के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर भवरा किसके लिए प्रतीक रूप में आया है, जयसिंह के लिए। कली किसके रूप में आई है, नई रानी के लिए, ठीक है। मर्तु प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर। देखो, समय के फेर में पढ़ करके, समय के फेर में पढ़ करके मर्तु प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर। समय के कारण ही या समय के फेर के कारण ही जो सुआ होता है, तोता होता है, वो पिंजरे में बंद होता है और प्यास से मरते मरते अपने प्राणों का क्या कर देता है, त्याग
कर देता है। ये सब समय की तो बातें होती है, तो समय के फेर में पड़ के ही सुआ या तोता पिंजरे में कैद हो जाता है और प्यास से क्या त्याग देता है, प्राण त्याग देता है। आदर दे दे बोलिए तू बाईसु बलि की बेर, आदर दे दे करके बुलाते हैं। और समय के फेर के कारण ही बुलाते हैं बाईसु कव्वे को बलि श्राद्धों में आदर दे देकर। समय के कारण ही जिन कौओं को कभी दुत्कारा जाता है या भगाया जाता है, उन कौओं को समय के फेर के कारण ही श्राद्ध पक्ष में आदर दे दे के बुलाते हैं। जबकि दूसरी तरफ सुंदर पक्षी के रूप में जो तोता होता है, वो समय के फेर के कारण ही पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और प्यास से मरते मरते वो अपने क्या त्याग देता है, प्राण त्याग देता है।